subscribe to our channel Sunshine Study. Hit the bell icon for latest video update. Everyone, welcome to the Sunshine Study. स्वागत है आपका मेरे चैनल पे. तो आज हम देखेंगे recruitment for specialist officer in Exim Bank. ठीक है, number of vacancies, eligibility, experience. ठीक है, तो full detail notification यहाँ पे discuss करेंगे, तो video को end तक देखना. उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो आप जाके सब्सक्राइब कर लें. रेलवे बैंकिंग एसएससी इंश्योरेंस इससे रिलेटेड जो भी अपडेट आती है वो अपने चैनल पर प्रोवाइड करती हूँ. ठीक है, चाहे वो आपके रिक्रूटमेंट अपडेट हो. ठीक है, अभी मेरे चैनल पे एसएससी सीजीएल बैंकिंग इनकी क्लासेस चल रही है, तो आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हो. नेक्स्ट, यहाँ पे लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, नोटिफिकेशन का, वेबसाइट का और रेज्यूमे. ठीक है, जिससे आपको अप्लाई करना है. ठीक है, तो तीनों के लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हो. चलिए इसकी फुल डिटेल नोटिफिकेशन डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, यहाँ पे क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस. ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी सीखते हैं यहाँ पे. एससी की 1 है, जनरल की 4 है, ओबीसी की 1 है. ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पे क्या है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर कंप्लायंस को लेके हैं. अकेडमिक क्वालिफिकेशन आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए. ठीक है, ये आपकी सीए से रिलेटेड क्वालिफिकेशन है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो. 2 अटेम्प्ट इज सफिशिएंट. ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, 7 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए. किसमें, पब्लिक सेक्टर बैंक में आपकी, और ये सारी स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए. ठीक है, जिसमें भी आपने काम किया हो साथ साथ, उसमें ये सारी आपकी स्किल्स होनी चाहिए. नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजी, आपका आईटी सेक्टर में 50% आपके मार्क्स होने चाहिए बीटेक में. ठीक है, ग्रेजुएशन डिग्री में, यानी कि कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और आईटी. ठीक है, इन तीनों से अगर आपकी डिग्री है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो. 15 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है, जिसकी जिसमें से आपको 10 ईयर का एक्सपीरियंस आपका सीनियर एग्जीक्यूटिव लेवल पे होना चाहिए, और 3 साल का आपका फाइनेंशियल और बैंकिंग सेक्टर में होना चाहिए. ठीक है, और ये आपके की स्किल्स रिक्वायर्ड है, तो आप जाके चेक कर सकते हो, मैं लिंक दे दूंगी आपको. नेक्स्ट आपका आता है एचआर. एचआर में भी एक ही वैकेंसी है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री मांगी है एचआर में, 50% मार्क्स यहाँ पे. ठीक है, और 15 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है पोस्ट ग्रेजुएशन एचआर में, और 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका एचआर एक्टिविटीज में, और ये स्किल रिक्वायर्ड है. नेक्स्ट आता है आपका स्पेशलिस्ट ऑफिसर, इसमें भी आपका एक वैकेंसी है, 60% मार्क्स होने चाहिए आपकी. ठीक है, आपकी लॉ में डिग्री होनी चाहिए, और इसमें मांगा है 15 ईयर का एक्सपीरियंस. ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका स्किल्स रिक्वायर्ड आपकी है रिकवरी ऑफिसर, 50% मार्क्स इसमें भी मांगे हैं आपके, 15 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है, जिसमें कि 5 साल का एक्सपीरियंस आपका रिकवरी रिलेटेड फील्ड में होना चाहिए. नेक्स्ट आता है अकाउंटेंट एंड टैक्सेशन, इसमें भी 50% मार्क्स मांगे, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए फाइनेंस और कॉस्ट में, कॉस्ट अकाउंटेंट में, 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए. ठीक है, टैक्सेशन रिलेटेड मैटर्स में, और ये आपकी की स्किल्स रिक्वायर्ड है. नेक्स्ट आता है एज इम्पॉर्टेंट, ओबीसी 48, एससी 50, जनरल 45, ये एज लिमिट है. ठीक है, एज लिमिट कहाँ तक है आपकी, 1 फरवरी 2021 तक. ठीक है, अगर 1 फरवरी 2021 से पहले आप 50 साल के हो चुके हो तो आप एससी में अप्लाई नहीं कर सकते. नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स है, 5 फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हो. इसमें आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी अटैच करके अप्लाई करना पड़ेगा, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी. ठीक है, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, तो एप्लीकेशन फॉर्म भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार, कैसे अप्लाई करना है. फीस बता देती हूँ, 100 यहाँ पे एस सी एस टी की है, 750 जनरल और ओबीसी की है. ठीक है, तो अब देख लेते हैं यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म. देखिए एप्लीकेशन फॉर्म को डिस्कस कर लेते हैं. ये आपका कुछ डिटेल दिए हैं, ठीक है, इसमें कुछ नहीं लिखा है, इसमें सिर्फ ये लिखा है कि आपका प्रोफेशनल के रूप में आपका एक रिज्यूमे प्रिपेयर किया है. ठीक है, जिसमें आपकी सारी डिटेल्स आप फिल कर सकते हो, तो उनके लिए इजी हो जाएगा आपको सिलेक्ट करना. ठीक है, यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा, किस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है, यहाँ पे ये आ जाएगा. ठीक है, यहाँ पे आपका पर्सनल डेटा आ जाएगा, इसको ब्लॉक लेटर में लिखना है यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे फोटो आ जाएगी, ठीक है, तो उसको आप फिल कर सकते हो इजीली. ठीक है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका
एजुकेशन की हिस्ट्री आ जाएगी, पोस्ट ग्रेजुएशन की, ग्रेजुएशन की, ठीक है, 10th 12th की मार्क्स आपको करने हैं, और आपका यहाँ पे कौन से ईयर में है, किस कॉलेज से की है, ये सारी डिटेल्स हैं, बेसिक डिटेल्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे एक्सपीरियंस, इम्पोर्टेंट, ठीक है, बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को कोशिश करना कि थोड़ा अट्रैक्टिव वे में लिखो आप, किस पीरियड में आपने कौन सी कंपनी में काम किया है, ठीक है, वो आप लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। जॉब प्रोफाइल क्या रही है, डेजिग्नेशन क्या थी उसमें कंपनी में, कितने साल के एक्सपीरियंस है, ठीक है, ये सब आपको लिखना है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है आपको यहाँ पे आपको लैंग्वेज कितनी बोलनी आती है, ठीक है, और आपने क्या क्या एक्टिविटीज़ की हैं अपने स्कूल में, कॉलेज में, कुछ में यहाँ पे, ठीक है, जो भी आपका रिज्यूमे में होता है वो आपको बेसिक डिटेल्स फिल करनी है। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको आपको इसके साथ करना है, ये रेज्यूमे के साथ जो मैंने अभी डिस्कस किया है आपको, ठीक है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आपको 10th 12th और आपका ये डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, ठीक है, इन तीनों चारों के आपको सर्टिफिकेट अटैच करके देने हैं, और आपको क्या है कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपका ST/ST OBC का है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी इसमें अटैच करके देना है। नेक्स्ट आता है आपका कॉपी ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जितना भी आपको अनुभव है अभी तक जितनी भी कंपनीज के, तो उन सबके सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए, ठीक है, तो उसको भी अटैच करके आपको सेंड करना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, थोड़ा सा भी अगर हेल्प किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर करना जितने लोगों के आप और साथ शेयर कर सकते हो, और सबको बताओ कि इसमें वैकेंसीज हैं।